हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। टुडेज ब्लॉग इज माय आउटडोर ब्लॉग। मैं जा रही हूँ मेरे रिलेटिव के घर, जो है मेरे दीदा का घर, मामा भी बोल सकते हैं। वहाँ पर जा रही हूँ, तो आज वही शेयर करूँगी आपके साथ। तो होपफुली अच्छा, आपको अच्छा लगेगा। इतना गर्मी है और धूप, मतलब सर में है। अभी मेरे को अभी 12:30 एक बज गया, मेरे को निकलते निकलते कोशिश की थी जल्दी निकलूँ लेकिन नहीं हो पाया। और यहाँ पर मेरा बेटा बेटे भी मेरे साथ नहीं आया, सोची थी लेके आऊँगी, बेटा आने नहीं पूछा तो नहीं जाऊँगी। मैंने अभी दो नहीं किया, अब सब जा रहे हैं, जानते हैं बाहर में कुछ हो रहा है, तो उससे नहीं मैंने टेंशन नहीं है। मैं अकेली जा रही हूँ मेरी बहन और उसके बेटा के साथ। वहाँ पर मैंने मम्मी वेट करी है, तो चलिए सब चार्ज मिलाऊँगी। पहुँचने ही वाली हूँ, ऑलमोस्ट मेरा गेट आ गया है। दिखाते चलिए, ये रहा घर, चलिए उतर के। यहाँ पे काली बिल्ली है, तो ये रही मैं सीढ़ी से भी स्लो मोशन स्लो मामा का घर। डेकोरेशन कैसी है? तो बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे मिलाती चली। तो आज फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है। ये रहा मेरी मम्मी बैठी है, ब्लॉगर है, सिंपल लाइफ, तो जरूर जाएंगे आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और एक नया ब्लॉगर को भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी बाद में, बहुत अच्छा लगा। अभी माइक में आ चुकी है और मैं इसका इंतजार कर रही थी कब आएगी, क्योंकि अभी आ गई है। तो आप इंट्रोड करेंगे और ब्लॉग को शेयर भी करते रहेंगे अच्छे से। तो थोड़ा देर रहूँगी, अभी भी कुछ घंटे रहना है, इस बीच को जरूर आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए, तो जा रही हूँ अभी मैं मामी के पास। तो मेरे जो मामा मामी हैं उससे आज इंट्रोड्यूस कराऊंगी आपको। तो चलिए, ये रहा उनका घर, बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है, देखिए क्यूट है ना। अनियन को कैसे टंगा के रखा है, देखिए बढ़िया लग रहा है। ऐसे रखने से अनियंस को तो ये सड़ते नहीं है, बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत दिनों तक रहते हैं। ये मेरे मामा के गार्डन में हुआ है, उनका ज़मीन में खेती बाड़ी की करते हैं, तो वहाँ से ये हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, देसी है। तो ये रहा मामा का टेरेस, देखिए कितना अच्छा व्यू है। यहाँ पे दिल्ली रोड जा रहा है, तो रोड है ये दिल्ली कोलकाता, तो दिल्ली रोड जाता है, तो हाईवे रोड है। इनका साथ में इनका घर है, तो बहुत अच्छा व्यू आता है। सब जगह घूम रही हूँ, बहुत दिन बाद आई हूँ, बोल के अच्छा लग रहा है, मज़ा ले रही हूँ हर चीज़ का। तो चलिए, मुझे तो आपने देखा है, मैं बहन, मैं इनकी माँ हूँ और एक इनका सिस्टर है, हम सब पूरा होल फैमिली। मेरी और एक बहन और एक भाई है, वो असम में है, तो मैं जॉब कर रहे हैं। हाँ हाँ, कोड़े ची पायरेट कोड़े ची।
खीर बनाया है मामी ने। ये रही मेरी दीदा मतलब नानी, बहुत प्यारी नानी है। मम्मी के बाद यही आती है, मतलब सुबह माँ के से बोल रही। उन्होंने मुझे कुछ साल पाला भी है, इससे अलग ही अटैचमेंट है मेरा। तो उनसे मेरे नाम से खुश रहती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बढ़िया लगा। अभी ये रहा मेरा नाना जी, तो ये रहा मेरा मामा का ऑफिस। तो वो एक्चुअली आर्मी में काम करते थे, अभी रिटायर हो गए हैं मेरे मामा। तो अभी वो आर्मी का ही कंपनी कुछ काम कर रहे हैं, मुझे उतना डिटेल में पता नहीं है। तो ये रहे मेरा मामा, देख सकते हैं। तब ये एक्समैन आर्मी सर्विस मैन है ये, और मेरे दादू भी एक्समैन सर्विस मैन है। तो ये उनका ऑफिस है जो आर्मी से बिलोंग है, बहुत ही खूबसूरत है, उन्होंने सजाया है, तो मुझे बहुत पसंद है। तो दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया, तो आप लोग देख लीजिए। ये रहे बैठे हुए, वो हाई कर रहे हैं। तो उनका ऑफिस बहुत ही सुंदर उन्होंने सजाया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आप लोग के साथ शेयर करूं। तो ये बहुत ही सुंदर है व्यू वहाँ से। तो फ्रेंड्स अभी मैं घर जाऊंगी, तो उससे पहले आपको दिखाना ये रहा ऑफिस मेरे मामा का, इतना ब्यूटीफुल ऑफिस है, देखिए। तो बहुत इंजॉय किया मैंने मामा के घर में, बहुत अच्छा लगा बॉन्डिंग के बाद, साथ में मम्मी थी बहन थी, तो बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत खाई हूँ मैं, इतना सारा वैरायटी मैंने खाना पकाया था मेरे मामी ने, और साथ में पाए शाम को टिफिन में चाय बिस्किट, मैं खा खा के तो पूरा पेट फुल हो गया दोस्तों, क्या बताऊँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग को तो इतना सारा दिन काम करते रहते हैं, तो उससे अच्छा बहुत अच्छा ब्रेक मिला है मुझे, ब्रेक तो मुझे मिलता नहीं है, तो इतना अच्छा ब्रेक मिला है। और बहुत दिनों पर अभी जैसे अभी घर जाऊँगी, मेरे हस्बैंड लेने आएंगे मुझे, तो इसी वजह से। तो आज के लिए ब्लॉग में इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट ब्लॉग आएंगे, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। तो बाय।